व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड पटनेगर प्रशांत में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अभी हम लोग एक बार फिर से लेकर आ गए हैं पटना मेट्रो का अपडेट। एंड अभी हम लोग अटल पथ पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेट्रो का अपडेट हम लोग नहीं डाल रहे थे एंड डिमांड ये भी था कि अपडेट कीजिए। तो गाइस, फाइनली अभी अपडेट लेकर आ गए हैं। एंड अभी यहाँ का जो डाइवर्जन बहुत बड़ा यहाँ पे रूट बनने वाला है और यहाँ से रूट डाइवर्ट होने वाला है, जो कि हम दिखाने वाले हैं। एंड बहुत बड़े पैमाने पे ये काम चल रहा है। सो गाइस, वेट मत करो और जो लोग नए हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहो। तो अभी हम लोग दिखाने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में और आगे देखते हैं। सो गाइस, मेरे पीछे देख सकते हो ये बोरिंग रोड का एरिया है एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा रूट यहाँ से डाइवर्जन होने वाला है। एंड उस साइड देख सकते हो, उधर भी जाने वाला है रूट कुछ, और किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट किया गया है रोड को, ताकि ट्रैफिक भी मतलब जाम ना लगे ज़्यादा। और पहले इधर से रोड जाती थी, इधर से डाइवर्ट करके इस साइड डाइवर्जन कर दिया गया। इधर से गाड़ी जाने वाली उस साइड जो गांधी मैदान जाएगी, और इधर से जो बेली रोड के साइड जगदेव पथ साइड जाएगी। और देख सकते हो गाइस कि इस साइड ये हमारा भवन है, पंत भवन, और मेट्रो का जो मेन ऑफिस है उस साइड पीछे में है। पंत भवन के आप पीछे देख सकते हो, यही हेड ऑफिस होने वाला है मेट्रो का। और काम गाइस बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, नज़दीक से मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से यहाँ पे पिलर का काम चल रहा है। और यहाँ पे लगभग मेरे को लगता है कि यहाँ पे या तो कोई स्टेशन बनने वाला है, या तो आई थिंक यहाँ पे एक स्टेशन ज़रूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये रूट जो है डाइवर्ट होगा। एंड उधर को भी आप देख सकते हो, उधर भी काम चल रहा है, और उस साइड से आप बोरिंग रोड जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बोरिंग रोड की तरफ है, और इस साइड से आप लोग एयरपोर्ट के साइड निकल सकते हैं। और ये अटल पथ है, देख सकते हो उस साइड का भी आपको सीन दिखाएंगे। एंड विश्वेश्वरैया भवन है उस साइड। तो गाइस, आप लोग को अपडेट जो है कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना, और नए नए प्लेसेस के बारे में बताना जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा हो, कहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा हो, उसका भी अपडेट देते रहिएगा, ताकि आप लोग को हम जाकर वहाँ पे दिखा सके वीडियो और आप लोग को अपडेट दे सके। तो गाइस, आप लोग पूरा ये एंड पटना शहर को जल्द ही सौगात मिलने वाली है पटना मेट्रो का। देख सकते हो यार, काफ़ी रफ्तार में ये गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं, उसमें भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों तक अपडेट ये पहुँच सके। एंड धूप भी है, अभी मौसम थोड़ा बहुत सुहाना अच्छा है तो बाहर निकले हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़ाके की धूप, मतलब 40 डिग्री से ऊपर 44 डिग्री चल रही है, तो बहुत मुश्किल से वीडियो भी बनाना हो रहा है। एंड गाइस, देख सकते हो उस साइड में भी, अभी उधर का मेट्रो का पासिस नहीं पता चल रहा है, बट कुछ ना कुछ उधर ब्रिज वगैरह भी, अंडरग्राउंड पासिस भी बन रहे हैं। एंड उधर से भी अभी रोड बंद है, उस साइड पीछे में आप देख सकते हो, अभी उधर से गाड़ियाँ आना जाना भी बंद है। आई थिंक उधर से भी मेट्रो का लाइन कोई ना कोई पास ज़रूर हो रहा, ताकि क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बहुत बड़ा ये डाइवर्जन है इस साइड से। एंड ये जो बन रहा है, ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये आई थिंक यहाँ पे या तो स्टेशन या कुछ ना कुछ ब्रिज अच्छा खासा होने वाला है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मंजर देखने में। अब जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हो कि रोड से जुड़ जाएगा। एंड आप इस साइड का व्यू देख सकते हो, उधर से अभी हम लोग दिखा रहे थे, आप इस साइड का व्यू देख सकते हो कि काम कितना तेज़ी से चल रहा है। एंड कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बस ये बाउंड्रीज वगैरह मतलब लोहे की जो है वो लगी हुई थी, एंड इधर से ही रोड पास हुआ जा रहा था। लेकिन अब दोनों साइड से मैं बताया था कि आपको इस साइड का भी व्यू दिखाएंगे कि इधर का मेट्रो का काम कितना हुआ है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ भी खुदाई का काम चल रहा है, एंड काम इधर भी तेज़ी से चल रही है। एंड आप देख सकते हो ये हमारा विश्वेश्वरैया भवन है, जो कि इसको भी मॉडिफाई किया जा रहा है एंड इसके भी लुक को चेंज किया जा रहा है। और देख सकते हो कितना ये शहर खूबसूरत बनता जा रहा है, एंड आने वाले टाइम में ये मेट्रो सिटी कहलाएगा, अब कहलाने वाला ही है। एंड देख सकते हो काफ़ी सुंदर तरीके से पटना सिटी को डेवलप किया जा रहा है एंड बनाया जा रहा है। एंड आप अगर बहुत टाइम बाद पटना में आओगे, जो लोग भी बाहर रहने वाले हैं या अदर सिटीज़ में रहते हैं, एंड काफ़ी टाइम से पटना जो लोग नहीं आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा मंजर जो है पटना का देखने का अलग ही होगा, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो चुका है हमारे पटना राजधानी में कि क्या ही बताया जाए। और रोड्स वगैरह आप देख सकते हो, A1 क्लास का रोड हो चुका है,
एंड ट्रैफिक भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, पहले से बहुत सुंदर और ट्रैफिक को भी सुधारा गया है। देख सकते हो कितने स्मूथ तरीके से, कोई जाम वगैरह ट्रैफिक नहीं है, स्मूथ तरीके से गाड़ियाँ रन कर रही हैं, बावजूद इसके कि काम यहाँ पे चल रहा है फिर भी इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है। तो गाइस देख सकते हो ये जो शहर है हमारा पटना बहुत ही सुंदर होने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, एंड ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस आप लोग को पूरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस अभी जाने का टाइम हो चुका है, एंड अभी पूरा अपडेट आप लोग को इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी ये काम चल ही रहा है, अंडर प्रोसेस है इधर का मेट्रो का, उधर उस साइड का भी दिखाएंगे आपको उधर से लौटने वक्त का। तो कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एंड सपोर्ट करते रहो गाइस, ऐसे ही अपडेट हम लोग लाते रहेंगे काम का, कितना काम हो चुका है, एंड आपको दिखाते रहेंगे अपडेट, और भी नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं उसका भी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो ऐसे ही जो लोग नए हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट करते रहो। तब तक मिलते हैं आगे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।